हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 में क्या है बच्चे? राउंड ऑफ करना है, नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। एस्टिमेट ईच ऑफ फर्स्ट सम, देखो बच्चे क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस बनाना बच्चे हमने नंबर्स को। नियरेस्ट टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे बच्चे? टेंस, नियरेस्ट टेंस बनाना ना 10/2 क्या होता है बच्चे? 5। कोई भी नंबर 5 यानी कि 45 है, लास्ट नंबर देखेंगे हम। 5 या 5 से ज्यादा नंबर है, ये 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो हम क्या कर देंगे? बाद वाला टेंस यूज करेंगे। यानी कि 45 के बाद कौन सा टेंस आता है? 50 आता है ना, तो हम 50 यूज करेंगे। अगर ये कोई भी नंबर 5 से नीचे है, यहाँ वाला लास्ट नंबर देखेंगे, 5 से नीचे है, तो हम क्या करेंगे? 45 से पहले वाला टेंस यूज करेंगे। 45 से पहले वाला टेंस कौन सा होगा बच्चे? 40। आगे समझ, देखो किस तरह से करना है सब। 45 राउंडेड विद स्टेटमेंट करना है बच्चे। 45 राउंडेड ऑफ द टेंस ऑफ द ऑफ टू द, यहां पर देखो 45 rounded off to the nearest tens क्या होगा? 50 होगा है ना। अगर हम 45 को राउंडेड ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे? ये देखो 45 को राउंडेड ऑफ किया हमने, जीरो की तो हमने जीरो एज इट इज राइट कर देंगे। अब 45 से बड़ा नंबर है, 45 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम क्या करते हैं? वन नंबर ऐड कर देते हैं इस नंबर में, इससे पहले वाले नंबर में वन नंबर ऐड कर देते हैं। 4 होगा तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। यानी कि 45 है तो हम इसका राउंडेड ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे? 50। 45 प्लस 56 है ना, 56 के लिए राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ 56 को राउंड ऑफ कैसे करेंगे? अब यहाँ 56 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम क्या कर देते हैं? 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम नेक्स्ट टेंस यूज कर देते हैं। यानी कि अब 56 है तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 60 राउंड ऑफ बनाने के लिए। अगर यहाँ पे 54 होता तो हम यहाँ क्या राइट करते? 50। राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस क्या आएगा बच्चे? 60। अब हमारी स्टेटमेंट क्या थी? 45 प्लस 56 है ना, हमें क्या करना है? प्लस करना है, तो क्या करेंगे? 50 प्लस 60 कर देंगे। अब हमने क्या राउंडेड ऑफ करके ऐड करना था, 50 प्लस 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 110। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? देखो 635 प्लस 425 बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का। 635 प्लस 425 है। अभी देखो हमने टेंस, नियरेस्ट टेंस बनाना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस देखना है। राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस देखने के लिए हम टू नंबर्स ही देखेंगे, ओनली टू नंबर्स देखेंगे। 5 10 ईयर टेंस बनाना है तो 5 की यहाँ पे तो हम जीरो है, जीरो यहाँ पर जीरो राइट कर देंगे 5 की जगह पे। अब 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम क्या कर देते हैं? इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 35 है तो यहाँ क्या हो गया? 46 एज इट इज आ जाएगा। 5 अब देखो यहाँ पर क्या है? 5 है,
फर्स्टली क्या करेंगे, फाइव की जगह पे जीरो राइट कर देंगे। अभी लास्ट नंबर देखो, यहाँ फाइव है ना, फाइव से फाइव, फाइव या फाइव से बड़ा नंबर होता है तो हम क्या कर देते हैं, इससे पहले वाले नंबर में हम वन ऐड कर देते हैं। यहाँ टू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ क्या हो गया, थर्टी हो गया। फोर एज इट इज राइट कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा बच्चे 1070। आवर आंसर इज 1070। अब आपने ये सम्स विद स्टेटमेंट किए करने हैं, जैसे मैंने फर्स्ट सम में किया है, यहां पर किया है ना, वैसे करने हैं आपने। अभी मैं आपको ये सारे सम विदाउट स्टेटमेंट ही करके दिखाऊंगी, आपने विद स्टेटमेंट करने हैं। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या है, 486 प्लस 36। इसको नियरेस्ट टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्स की जगह सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जीरो राइट कर देंगे, वन ही जीरो राइट करेंगे क्योंकि हमने नियरेस्ट टेंस बनाना है। अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड राउंड ऑफ करना होता तो हम दो जीरो राइट करते। अब हम नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करना है तो सिक्स की जगह पे हम जीरो राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सिक्स फाइव या फाइव से बड़ा नंबर होता है लास्ट नंबर, तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले नंबर में वन ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फाइव या फाइव से बड़ा नंबर है, सिक्स है ना, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, एट में वन ऐड कर देंगे, नाइन हो जाएगा। फोर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सिक्स है तो इट मीन्स क्या है, थ्री में वन ऐड कर देंगे, सिक्स की जगह पे जीरो राइट कर देंगे, थ्री में वन ऐड कर देंगे, फोर आ जाएगा। 36 है तो यहाँ क्या हो गया, 40 आ गया। अगर यहाँ 33 होता बच्चों, यहाँ पे सिक्स की जगह थ्री होता तो हम क्या राइट करते, यहाँ पे 30 आ जाता। अब यहाँ पर 490 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 530। आवर आंसर इज 530। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम देखो, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट टेंस। अब इसको भी हमने नियरेस्ट टेंस करना है, पर इसमें हमने क्या करना है, सेकंड सम में हमने लेस करना है। फर्स्ट सम में हमने एडिशन किया था, सेकंड सम में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको। देखो कैसे करेंगे, 67 माइनस 18। इसमें भी सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने नियरेस्ट टेंस बनाना है, नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करना है, तो क्या करेंगे, सेवन है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस बनाएंगे, यहाँ पे जीरो राइट कर देंगे, सेवन है तो यहाँ इससे पहले वाले नंबर में क्या है, वन ऐड हो जाएगा। सिक्स प्लस वन सेवन, 67 है तो यहाँ 70 हो गया। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, 18 है ना, 8 है, यहाँ पर 8 की जगह तो हम जीरो राइट कर देंगे। अब यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम क्या कर देते हैं, इससे पहले वाले नंबर में वन ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू, वन प्लस वन टू। 70 माइनस 20 क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 50। इसी तरह से आपने ये वाले तीनों सम्स करने हैं, जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही सेम ये सम्स करने हैं, बस अब एडिशन की जगह सब्ट्रैक्ट करना है इसको। नियरेस्ट टेंस आपने वैसे ही बनाना जैसे हमने लास्ट सम में किया था। थर्ड सम है, एस्टिमेट द सम ऑफ 725 एंड 836 बाय राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 बनाना है। नियरेस्ट 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, देखो नियरेस्ट 100 बनाने के लिए थर्ड सम है, करना सम ही है बच्चे। ये देखो बोला इसने, एस्टिमेट द सम ऑफ 725 प्लस 836, ये हमारी स्टेटमेंट है बच्चे। अब इसको कैसे बनाएंगे, राउंड ऑफ में कैसे बनाएंगे, राउंड ऑफ बनाना है, 100 राउंड ऑफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, दो जीरो राइट कर देंगे सबसे पहले। तो जब भी किसी भी नंबर को हमने नियरेस्ट 100 बनाना हो, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने जब नियरेस्ट टेंस बनाना था तो 10/2 किया था, 5 या 5 से बड़ा नंबर देखा था। अगर हमने नियरेस्ट 100 बनाना है तो 100/2 कर देंगे, 100/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 50 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 50 से बड़ा नंबर देखेंगे, 50 या 50 से बड़ा नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लास्ट टू नंबर्स देखेंगे, 50 से बड़ा है नंबर तो हम नेक्स्ट 100 नंबर लिख देंगे इससे, यानी कि 725 है भी, अभी 836 है, यहाँ पर ये दोनों ही नंबर 50 से छोटे हैं तो इससे पहले वाले 100 नंबर लिख देंगे, यानी कि इनमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। देखो करेंगे तो पता चलेगा कैसे करेंगे। देखो इन दोनों नंबर्स की जगह पे सबसे पहले हम जीरो राइट कर देंगे, 100 बना, राउंड ऑफ 100 बनाने के लिए। अब यहाँ पर अगर 25 है
तो अब क्या है नंबर एज इट इज राइट हो जाएगा बच्चे, ये वाला इससे पहले वाला सेम एज इट इज राइट हो जाएगा। अगर यहां पर ऐसे होता 756 होता, 756 होता, तो हम इसको राउंड ऑफ 100 बनाने के लिए क्या करते, सबसे पहले जीरो राइट करते, और अगर यहां पर देखते सबसे पहले 50 या 50 से बड़ा नंबर है, अब यहां पे क्या है 50 या 50 से बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, 800 हो जाएगा। आगे बच्चे समझ, अगर 50 या 50 से बड़ा नंबर है तो नेक्स्ट 100 नंबर लिखा जाएगा, 50 से नेक्स्ट 100 नंबर आएगा वो लिखा जाएगा। अगर यह 50 या 50 से छोटा, अगर 50 से छोटा नंबर है तो उससे पहले वाला 100 नंबर जो आएगा वो लिखा जाएगा। यानी कि देखो 725 में हमने क्या लिखा है 700, और 756 है यहाँ स्टेटमेंट, तो हमने क्या राइट किया 856, यानी कि 50 या 50 से बड़ा नंबर है ये, और ये क्या है 50 से छोटा नंबर है, तो हमने क्या किया 50 से पहले वाला 100 नंबर लिख दिया, क्या आ गया 700 आ गया यहाँ पर, प्लस 836। राउंड ऑफ 100 बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया इसमें 20 राइट कर दी, और यहाँ पर नंबर देखेंगे अब 30, ये टू नंबर्स देखेंगे, राउंड ऑफ 100 बनाना है तो टू नंबर्स देखेंगे, 36 है ना, 36 है तो इट मीन्स क्या 50 से छोटा नंबर है, ये नंबर एज इट इज राइट कर देंगे। अगर यहाँ पर 71 होता, मान लो आप 71 होता, तो हम क्या करते 8 में 1 ऐड कर देते और यहाँ 900 कर देते, अगर यहाँ पे 50 से बड़ा नंबर होता तो 700 प्लस 800 क्या आ गया बच्चे 1500। ये सम आपने विद स्टेटमेंट किया है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सम करके दिखाया था वैसे करना है बच्चे, यहाँ पे टेंस की जगह पे बस आपने 100 राइट कर देना है। फोर्थ सम कैसे करना है देखो, एस्टिमेट द डिफरेंस, अब पहले वाले सम में हमने क्या किया था सम किया था, अब हमने डिफरेंस करना है, ये आप पहले ही देख लीजिए, यहाँ पे आपने लेस करना है डिफरेंस ऑफ 956 एंड 481 बाय राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100, इसको भी नियरेस्ट 100 बनाना है। नियरेस्ट 100 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 556 माइनस 481, इसकी स्टेटमेंट ये बनेगी बच्चे, लेस करना है इसको राउंडेड ऑफ बनाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम 20 राइट कर देंगे, राउंड ऑफ 100 बनाना है, 56 है 50 से बड़ा नंबर है ना, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 481 सबसे पहले टू नंबर्स की जगह पे हाँ राउंड ऑफ 100 बनाने के लिए 20 राइट कर देंगे। अब 81 50 से बड़ा नंबर है ना 81, तो हम क्या करेंगे 4 में 1 ऐड कर देंगे, 81 यानी कि 50 से बड़ा नंबर है, 4 में 1 ऐड किया तो 5 हो गया, 1000 माइनस 500 क्या आ गया 500, 1000 से 500 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा, 500 आंसर आ गया ना। अब आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है, ये विद स्टेटमेंट ही करनी है बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कल, आपने ये एक्सरसाइज फिर नोटबुक में कंप्लीट करके आनी है कल।